फूडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी और आलू की सब्जी मेरे तरीके से। तो चलिए ये सुपर टेस्टी डिश हम बनाना शुरू करते हैं। फूल गोभी और आलू की सब्जी के लिए सबसे पहले हमें लगेगा फूल गोभी। तो ये मेजरमेंट के हिसाब से आधा किलो फूल गोभी है। इसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करके कपड़े से पोंछ के फिर मैंने इसके ऐसे बड़े बड़े टुकड़े करके रेडी रखे हैं। उसके बाद हम लेंगे 2 बड़ी साइज के आलू लेंगे, उसके ऐसे बड़े टुकड़े बना के रेडी रखेंगे। आधा लेंगे शिमला मिर्च, उसे सली की तरह काट के रेडी रखेंगे। एक टोमेटो लिया है, उसके बड़े पीसेस करके रेडी किए हैं। एक मीडियम साइज का लिया है गाजर, उसे भी बड़े बड़े टुकड़े करके रेडी करने हैं। और आधी कटोरी लेना है हमें हरे मटर, और उसे भी रेडी करके रखेंगे। और 2 लिए हैं मीडियम साइज के प्याज, उसे सली की तरह काट के रेडी करके रखना है सब्जी के लिए। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करने रखेंगे, करीबन 1 बड़ी चम्मच। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है उसमें डालेंगे हम कॉलीफ्लावर और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे इस ऑयल में। इसे मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है और इसमें जो भी मॉइस्चर है वो हमें इसमें से निकालना है। और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए कॉलीफ्लावर पे तब तक इसे हम भुनेंगे ऑयल में। गोभी को कंटिन्यूसली ऐसे स्टोर करते रहना है ताकि ये सभी जगह से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरह से अगर हमने गोभी रोस्ट करके अगर सब्जी बनाई तो ये हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देगा हमारी सब्जी को, और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनेगी ये सब्जी। तो यही रीजन है इसे हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं ऑयल के साथ। देखिए दोस्तों, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब गैस का फ्लेम करूंगी मैं ऑफ, और इसी कढ़ाई में ऑयल गरम करने रखेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है इसमें हम सबसे पहले फ्राई करेंगे आलू। तो ये आलू मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब तक ये आलू गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं हम साइड में पानी गरम करने रखेंगे और इसमें हम डालेंगे मटर, और मटर को हम पकाएंगे। मटर हमारे अच्छे से गल के रेडी हो चुके हैं। अब इसे अच्छे से छान के 2 से 3 बार ठंडे पानी से वॉश करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए और इसका कलर एज इट इज रहे। आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसे निकाल के अब इसमें हम फ्राई करेंगे प्याज। प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ये लीजिए, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हम फ्राई करेंगे गाजर को। गाजर भी डाल दिया और इसे भी सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। गाजर भी अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और कैप्सिकम को हम अब इसमें फ्राई करेंगे। कैप्सिकम डाल दिए, अब इसे भी हम हल्का सा क्रिस्पी फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। कैप्सिकम भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे कॉलीफ्लावर के पीसेस गोल्डन ब्राउन होने तक। चलिए डालते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और आगे की स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। सब वेजीज फ्राई होने के बाद हम लेंगे आधी कटोरी भर के फुटाना दाना और 1 छोटी चम्मच लेंगे हम सौंफ, और इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करके रेडी करते हैं। ये देखिए इस तरह से रेडी करना है। चलिए फाइनली हम पैन में 1 बड़ी चम्मच भर के ऑयल गरम करेंगे। हमें ऑयल थोड़ा सा कम ही लेना है क्योंकि हमने सभी सब्जियों को ऑयल में अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच राई। राई को स्प्लटर होने देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 छोटी चम्मच। अच्छे से इसे सॉटे करेंगे और कच्चापन इसका हम निकालेंगे सॉटे करके।
अब इसमें बारी बारी से सभी हमें वेजीज ऐड करनी है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम प्याज और गाजर को, फिर ऐड करेंगे हम कैप्सिकम, मटर भी ऐड करेंगे इसके साथ, फ्राई किया हुआ आलू ऐड करेंगे और ऐड करेंगे हम इसमें फूल गोभी, और अब इसमें अच्छे से हम सब मसाले ऐड करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार ऐड करेंगे इसमें नमक, फुटाना दाना और सौंफ का पाउडर जो हमने बनाया था वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऐड करेंगे इसमें बारीक कटे हुए टोमेटोस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें जाएगा एक पूरा पैकेट भर के मसाला मैजिक का पैकेट, और इसे अच्छे से हम मिक्स करके 2 मिनट तक मीडियम टू स्लो और स्लो टू मीडियम में हम पकाएंगे। ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच भर के दही, दही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है फ्रेंड्स। अगर आपके घर में दही नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन खटास के लिए कुछ ना कुछ आप डालिए। अब इसे अच्छे से हिला के 2 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे ताकि सभी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर फाइनली ये हमारी सब्जी बनके रेडी होगी। पहले चेक करते हैं हमारी सब्जी, वाव यम। देखिए मैं आपको ये नजदीक से दिखाती हूँ कितनी मस्त बढ़िया बनी है। अब इसे हम गार्निश करेंगे धनिया के साथ और लास्ट टाइम फिर से इसे मिक्स करेंगे एक बार। दैट्स इट, निकालेंगे इसे सर्विंग प्लेट में। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी आलू और फूल गोभी की सब्जी बनके रेडी है। होप आपको मेरा तरीका अच्छा लगा होगा फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाने का। आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।